आधे मैं ले जा लेता हूँ, आधे तू ले जा ले, आप रहने दो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का दिन था कपड़े धोने का दिन, तो मम्मी जी ने मशीन लगाई थी और जितने भी सारे हमारे इतने दिन के कपड़े थे ना, सारे मैले हो रखे थे, तो वो मैंने धो दिए। और सारे बेड शीट्स वगैरह हैं, कंबल वगैरह हैं, वो भी काफ़ी गंदे हो गए थे, सारे के सारे मम्मी ने धो दिए। फिलहाल ऊपर चलते हैं, डाल के आते हैं सारे कपड़े सुखाने के लिए। तो खाना खा ले जल्दी से, फिर दवाई लेनी है। 11 बज चुके हैं, अभी ये उठा है, अब खाना खाएगा और अब दवाई लेगा, जो कि दवाई सुबह लेनी चाहिए। थोड़े कपड़े सही ले आए, ऊपर थोड़े मैं ले आए, आधे आधे डाल लेंगे। तो सारे कपड़े डन, बट धूप जा चुकी है, बादल ही बादल हो रहे हैं, बस बारिश ना आ जाए सारे निकालने पड़ जाएंगे, नहीं तो अभी धोए थे सारे गीले हो जाएंगे दोबारा। बाय द वे, यहाँ पे हमारे पास हैं 1, 2, 3, 4, 5 तार हैं, तो जुगाड़ करके हमने पांचों में सारे कपड़े डाल दिए, बहुत सारे कपड़े हो गए थे। वैसे ना कपड़े डालने के लिए एक स्टैंड भी आता है, तो वो हम नहीं लेते, बिकॉज उसमें इतने ज़्यादा कपड़े नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये 5 तार है। तो हमने जुगाड़ लगा के देखो कितने सारे कपड़े डाल दिए, तो ये जुगाड़ सबसे बढ़िया है। ये पापा जी ने बनाया था, यहाँ पर रस्सी बांध रखी है। तो अभी एक प्रॉब्लम आ गई है, हमारी जो मशीन है अब ये भी ख़राब हो गई है। अब इसको ठीक करने कौन आएगा, इस टाइम में कोई भी ठीक करने नहीं आएगा। इसका जो सुखाने वाला है वो ख़राब हो गया, इसी टाइम में इसको ख़राब होना था। अब छोड़ो, मैं इसको आपको मैं ऑटोमेटिक वाली दिला दूंगा, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं ऑटोमेटिक वाली दिला देना, ऑटोमेटिक फिटिंग चाहिए बेटा। क्या वो फिटिंग करा लेंगे, कहाँ होएगी फिटिंग बता। अरे करवा लेंगे, जब भी मैं दिखाता हूँ ना लोग कमेंट करते हैं कि मम्मी को ऑटोमेटिक दिलाओ, ऑटोमेटिक दिलाओ। इसमें दिक्कत भी आती है आपको थोड़ी, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिटिंग करवानी पड़ती है, इतनी बार सर्फ डालो, इतनी बार। अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा। लो पापा जी चाय, ठीक लग रहा है आपको? तो अभी फिलहाल मेरा मन कर रहा है दोबारा कैमरे पे स्विच करने का, मतलब बहुत टाइम हो गया था फोन से ब्लॉग कर रहा हूँ। तो पुराने ब्लॉग देख रहा था मैं, उसमें मैं इससे ब्लॉग करता था, तो मन कर रहा है दोबारा से इस पे स्विच करने का। लास्ट ईयर जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी लॉकडाउन में, तब इसी से करता था, तो करें फिर स्टार्ट दोबारा से, देखते हैं कैसा लगता है। भूल गया मैं तो, याद आ रही थी बहुत ज़्यादा कैमरे की। थोड़ा हैवी है बट क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। कैमरे से बड़ा तो माइक ही हो गया है, देखो पहले मेरा माइक छोटा था, वो ख़राब हो गया, तो ये बढ़िया वाला माइक है। तो अब इस पे स्विच करता हूँ और क्वालिटी बताना कैसी आ रही है, आईफोन या DSLR। चलो, तो अभी फ़िलहाल स्विच कर लिया है DSLR पे, तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी तो ज़्यादा अच्छी होगी। कैमरा इतना भारी है, इतना बड़ा है, इतना लेंस लगा हुआ है इसमें, माइक लगा हुआ है, तो ऑडियो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही होगी। बाय द वे, जो ये फैमिली ड्राइंग थी ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट होने ही वाली थी कि हमको कोविड हो गया, तो जब ठीक होएंगे तभी कंटिन्यू करूँगा, बिकॉज अगर अभी मैं लग गया ना तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगी, सिर में दर्द मेरी हो जाती है कभी कभी, तो अच्छे से प्रॉपर ठीक होएंगे तभी करेंगे। और भाई लोग क्या हाल चाल, और भाई लोग क्या हाल चाल, और बढ़िया। और पीयूषी क्या कर रहा है? आज पूरा दिन इसी से ब्लॉग करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है, कैसी क्वालिटी आती है। मैं तो भूल ही गया था इसकी क्वालिटी कैसी है। बाकी आप भी कमेंट कर बताना, आईफोन या ये, नहीं तो यही यूज कर लेंगे, कहीं कहीं पे आईफोन भी यूज कर लेंगे। तो मम्मी आईफोन का शो ऑफ करते हुए, वो देख रही हूँ वीडियो मेरा देख लिया। तो मम्मी को यही टाइम मिलता है व्लॉग्स वगैरह देखने का, तो इस टाइम पे दिन के टाइम पे मम्मी व्लॉग देख लेते सबके। कैसा लग रहा है अम्मी जी? आए लगा लिया मैं सोचा था मम्मी आते ही नोटिस करेगी, मम्मी नोटिस ही नहीं करा, मेरा ही पोपट हो गया, मुझे ही पूछना पड़ा कैसा लग रहा है। नहीं फिर भारी नहीं लग रहा तेरे को हाथ में? भारी है तो क्या हो गया, रोज तो उससे करता था, आज क्या हुआ? मन कर रहा था। तो आज हम खाएंगे पाइनएप्पल, देख लो कोरोना में कैसे कैसे फ्रूट्स भी खाने पड़ रहे हैं, जो कि हम कभी घर में लाते ही नहीं थे। काटते कैसे भाई इसको, इसके मतलब ये छेद किस चीज के लिए है, काटने हैं छेद भी? YouTube पे देखो how to cut pineapple। बस इतना ही काम रह गया है। तो गाइस कट कर लिया है, अब इसमें अच्छे से नमक डाल के सबको दे देता हूँ मैं, आज पाइनएप्पल खाएंगे सब। बहुत ज्यादा मेहनत लगी इसको काटने में, मेरे हाथ कट गए पूरे। सौदा चाट भंडार, सरो जोशी व्लॉग चाट भंडार। कितने की प्लेट है भैया? 150 रुपया लेगा। 150 रुपया, खीरा भी काटते हैं मम्मी के लिए। बेटा कैसा होगा यार, ठंडा तो नहीं होगा? ठंडा नहीं है, अच्छा होता है। लो लो लो। तो गाइस पाइनएप्पल सबने खा तो लिया भर भर के, बहुत ही मीठा हो रहा था, टेस्टी हो रहा था, बट अब जीभ में पता नहीं क्या हो रहा है, होता है अजीब अजीब सा, टच नहीं करी, ज्यादा ही खा लिया
थोड़ा सा बचा हुआ है देखो, इतना बचा हुआ बस यार, खुजली से हो रही है जी बेटा, मेरा तो नहीं हो रहा। आपने आपको कम दिया था ना, आपको ज्यादा नहीं दिया, हमने तो फुल खा लिया, हमने तो भर के खाया। नमक लगा ले, नमक से ठीक हो जाएगा। नमक लगा ले, नमक लगा, नमक खाते हो आप? जी में लगा ले, ठीक हो जाए, सच्ची नमक से ठीक होता है। और तेज हो रहा है, पीयूष की हालत खराब हो चुकी है। पीयूषी, पीयूषी खाएगा? खाएगा नहीं, खाएगा जिंदगी में कभी नहीं खाऊंगा। खाएगा? नहीं खाऊंगा। खा ले, खा ले। नहीं, क्या हुआ? खा रहे, खा रहे, देखे दो दो। कपड़े सूख गए होंगे तो कपड़े उठा लाते हैं, धूप है काफी तेज, बारिश बुरिश नहीं आई तो सूख गए कपड़े सारे। स्पीड देख तू मेरी, अब कपड़े उतारने की। हां एडिटिंग में फास्ट कर दो, ग्रैंड दो। नहीं नहीं एडिटिंग नहीं करता मैं। ये देख, ये देख, ये देख, बस कर दो, नीचे गिरी कूली बना दिया सरदा को। ओ नीचे मत रगड़ो, वाइट है वो भाई। बहुत सारे मैं कपड़ों के बोझ के तले दब जाऊंगा। चलो अंकल हेल्प कर देता हूं, एक कपड़ा तो ले जाती हूं, है ना? तू तो ले जाएगा, एक और को दो। सारे कपड़े हो गए सर, जो शिव व्लॉग्स बता रहे हैं। कितने हो गए सरदा? कितने हो गए? 150 रुपया लेगा। बड़े में 150 रुपया लेगा। मैं अपने कपड़े अलग अलग रहता हूँ। ये पीयूष तेरा, पीयूष तेरा, ये तेरा, ये तेरा, तेरा, ये मेरा, ये तेरा। ओ लो, तेरा क्या है? तो मैंने अपने कपड़े तय कर लिए, मैं अभी ऊपर ले जाता हूँ अपने स्टूडियो में। बाकी मेरे को आज वीकनेस भी नहीं है और ना ही मेरे को हेडेक हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल अच्छा लग रहा है। यूजुअली वीकनेस लग रही थी, आज वो भी नहीं लग रही है। फिर मैं सोचूंगा स्टूडियो में शिफ्ट होने की। है मम्मी स्टूडियो में? बताओ स्टूडियो में? अभी नहीं बेटा। क्यों? दो चार दिन अभी, दो चार दिन। हाँ। अभी मैं ठीक कर रहा हूँ, ठीक लग रहा हूँ वैसे तो। वैसे तो लग रहा है। नहीं एसी नहीं चलाता मैं वहाँ पे, तो मम्मी मना करेगी स्टूडियो में अभी नहीं रहना। बाकी कपड़े ले जाता हूँ मैं वहीं पे ऊपर अपने। घुस जा भाई। फिलहाल मम्मी ने तो मना कर दिया है ऊपर अभी रहने से, कह रहे एक दो दिन और रुक जा, नीचे रह ले, उसके बाद फिर ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। शिफ्ट क्या है मतलब, ऊपर काम वगैरह एडिटिंग वगैरह। मैं यूजली पूरा दिन ऊपर रहता था ना, आजकल पूरा दिन नीचे रह रहा हूँ। और यो ये किसने कर दिया? अम्मी चुन्नी डाल दी इसके ऊपर, कैसा लग रहा है? क्या ये चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे लोग आज के टाइम में खेलते हैं PS5, PlayStation 5, और ये को क्या खेल रहे हैं? PX2। वाह, PlayStation 2 खेल रहे हैं। ये कौन सी गेम है ये? और वो भी खेल रहे हो किस में रहे हैं, किस टीवी में? इसमें कुछ दिख भी नहीं रहा। ये देखो ये PX2, जिन्होंने नहीं देखा है। PS4 तो सबने देखा होगा। और जो ये PS2 है ये हमारा नहीं है, ये नवीन का है। ये नवीन लेके आया था अपने घर से, तो ये वही खेलते रहते हैं, वो भी हमारी इस वाली टीवी में। दो ही गेम खेलते रहते हैं ये, एक तो गोड एंड और एक स्मैक पेन। मुझे नहीं आती खेलनी, मैं होगा इसको कोई गेम खेलने नहीं आती है, मेरे को शौक भी नहीं है। अगर शौक होता तो मैं ले लेता PS4 PS5 जो भी होता है। इधर आओ, मैं इसको भी नहीं आती, मेरे को बड़ी आती है। लो मैं चला देता हूं। कैसे मारना है बता, मुझे बताओ। वो सोनी का ये, ये बटन दबाते रहो ऐसे करो, इससे आगे पीछे जाएगा, इससे इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता, इससे इससे मारते रहना ऐसे मुक्के मुक्के। औरी PS4 खेलेगा? औरी क्या दे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार। मार मार मार, बढ़िया बढ़िया। अरे पीयूष फिट रहा है। मार भी इसको, मार मार इसको, मार मार मार, ठोक दे ठोक दे। पीयूष तू फिट कैसे रहा है, तेरे को तो खेल नहीं आती है। भाई साहब झूठ बोल रहा हूँ भाई, मैं हूँ क्या? तू ऊपर वाला है, ऊपर वाला और यू देख रहा है। ये मस्त सह रहा है बैठ के आराम से। अबे भाई ये मारा नहीं है, ये तोड़ देगा इसको। पीयूष तो सही पिट रहा है, सच्ची बता रहा हूँ तेरे को। मैं तेरे से मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। पीयूष चल स्मैक अलाउ नहीं है, ठीक है? अपने बस का नहीं है भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरा प्लेयर कौन सा है। मैं कुछ भी बटन दबा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने PlayStation खेला है, वो PlayStation 2। तो अभी शाम के बज गए 4:24, तो अब शाम की चाय आज हम बनाएंगे। आज मेरा बिस्किट खाने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों, चाय के साथ। डॉक्टर ने दूध पीने के लिए तो मना कर रखा है, बट चाय तो पी सकते हैं थोड़ी थोड़ी। अरे यार गलती से चीनी डाल दी मम्मी जी, गलती से चीनी डाल दी। मम्मी और पापा चीनी वाली नहीं पीते ना, गुड़ वाली पीते हैं। अदरक कहाँ है अदरक? अदरक तो खत्म होगी, ऊपर से तुलसी लेके आते हैं। तुलसी तोड़ने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है कि चप्पल उतारने पड़ते हैं तुलसी माता के लिए, पैर जल गए। तुलसी धो के तुलसी डाल देते हैं इसमें। तो आज हम खाएंगे ये वाले बिस्किट, दूसरी ऐसे दिखाऊंगा, दूसरी ऐसे दिखाऊंगा, फिर प्रमोशन हो जाएगा ना। बाकी कमेंट करके बताना अगर आप गेस कर सकते हो तो कौन से बिस्किट हैं। गलती से चीनी डाल दी यार, कोई बात नहीं। अभी आज मुझे ना पहले जैसी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल पहले जैसी, नॉर्मल लग रहा है सब कुछ। लग रहा है ना? आज लग रहा है, आज लग रहा है ना, बस ऐसे ही लगता रहे बस।
डेली डेली मम्मी पता है सुबह सुबह उठते ही खाना बनाना साफ सफाई करना सारा काम कर दे रही मम्मी। हमको बोल दिया करो ना आप। मम्मी हमको बोलती नहीं है, उठते ही हम सोए रहते हैं इतने सारा झाड़ू पोछा भी हो जाता है, खाना भी बन जाता है, रोटियाँ बन जाती हैं, हमको पता ही नहीं चलता। मम्मी उठ के सारा काम कर देती है। मम्मी अभी अच्छे से ठीक नहीं हुए हो, जरूरी नहीं है इतना काम करना, आराम आराम से कर लेंगे हम। मेरी कौन सी है? साहिल है, मैं हूँ, पीयूष है। पीयूष तो चलो नहीं करेगा, हम दोनों तो कर ही देंगे। तो कोई सी ले ले। ये देखना कैसे देख रहा है, चाय पिएगी लड़की। पापा जी को मैं दे आया हूँ चाय, वहीं पे ही आराम से फोन में लगे हैं और चाय पी रहे हैं आराम से। पापा जी तो अलग ही मस्ती में है। तो अभी यहाँ पर हमारी चल रही है बिस्कुट पार्टी, कुछ और तो खा ही नहीं सकते, नो ब्रांड प्रमोशन। तो गाइस अभी शाम के बज चुके हैं 5 और हम आ गए हैं ऊपर। अभी ऊपर साहिल और मैं ही, अभी सर्द आ रहे हैं नीचे से, और आज मैं कटवा रहा हूँ अपने बाल घरी में, काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए और गर्मी लग रही है मेन तो बहुत ज़्यादा है ना, बड़े तो हो गए। देखिए इतने इतने काट दूँगा ठीक है सारे, लेकिन तो रही मत पहले की तरह। साहिल दादा हमारे प्रोफेशनल बार्बर। ऐसे कौन काटता है बाल भाई, मत काट ऐसे। अरे कुछ नहीं होता, माथे पे नहीं आएंगे उसके बाल। सही लग रहा है ना, टिकटॉक पे जाओ ऐसे तो भाई एक दिन में 1 मिलियन फॉलोवर। हम अच्छा आप रे बराबर करना है। हेलो हो गया, बस छोटे हो गए आगे से। तो कुछ इतने बाल काटे हैं अभी पीयूष के, तेरे काटने हैं पागल है। अपने तो जैसे हैं फिलहाल, अभी ठीक हैं, जब ठीक हो जाएंगे तब अच्छे से कटवा लेंगे बाहर से ही, तेरे से तो नहीं कटवाऊंगा भाई, लड़की बना देता है मुझे। ये क्या है, दे दे वरी, दे दे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आज मुझे बिल्कुल भी वीकनेस फील नहीं हो रही, इसीलिए मैं क्रिकेट भी खेल पा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। इन दोनों को तो वैसे ही सही लग रहा था, कोई वैसे कमजोरी वगैरह थी नहीं, बट मुझसे खेला भी नहीं जा रहा। मैं इन बालों से बहुत तंग आ रहा हूँ यार, मेरी आंखों में आ रहे हैं बारी बारी, ऐसे खेल रहे हैं ना, इसीलिए तो कटवाए मैंने भी। मेरे को भी कटवाने तो थे यार, क्या करूं, मेरे बार बार यहाँ पर आ जा रहे थे, फिर यहाँ पर पसीना आ जा रहा है पूरा। बड़े बाल रखने भी झंझट है। चोटी बना दो, चोटी बना दे, कह रहा हूँ ऐसे करके यहाँ पर। मम्मी जी से पूछ के आता हूँ कोई अगर बालों का जुगाड़ है तो मम्मी के पास। तो मम्मी जी फिलहाल अभी सब्जी काट रही है, तोरिया मिल गया, जुगाड़ मिल गया। तो मम्मी जी ने ये दिया है बालों पे लगाने के लिए, ट्राई करते हैं अगर इससे बाल पीछे होते तो मेरे। कैसे लगाते रहे इसको, अजीब लग रहा हूँ लेकिन। बस 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 इतना, दोनों साइड से ट्राई कर, दोनों साइड से। तो अभी रात के बज चुके हैं 10 और अभी एडिट पे बैठा था मैं, डिनर हो चुका है, दवाई भी हो चुकी है सबकी। पीयूष साहिल अपने रूम में है, मम्मी और मैं यहाँ पे हैं, पापा जी अपने रूम में हैं। फिलहाल बस इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ अभी हम सभी बिल्कुल बिल्कुल बेटर फील कर रहे हैं, तो हाँ बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तेरे से सिंदूर किसने लगाया? सिंदूर कहाँ है सिंदूर? सिंदूर किसने लगाया? सिंदूर मेरा लाला सिंदूर, कुछ और होगा भाई। ऐसे लग रहा है मांग भर रखी किसी ने। ना भाई सिंदूर तो दिख नहीं रहा आपको भाई, बाल काट दो मेरे, कोई कोई काट दो ना, तेरे से नहीं कटवाऊंगा भाई, मेरे से कटवा दो, मेरे से कटवा दो, पूरा उड़ा दूंगा।